तो यार वेलकम बैक टू अंदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। एंड भाई आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी यार आप लोग से, क्योंकि भाई आप लोग मुझसे यार मोस्टली लोग बोल रहे थे यार कि XLR8 बॉय का थंबनेल का ट्यूटोरियल डालो यार, मतलब कि बहुत ही दिनों से बोल रहे थे। एंड यार मैं टाइम भी नहीं हो रहा था, बट हाँ यार मैंने होपफुली यार ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर लिया, अभी अपलोड भी कर रहा हूँ। एंड भाई आज की वीडियो में ना हम कुछ इस तरह का थंबनेल अपने एंड्रॉइड डिवाइस में एडिट करना सीखने वाले हैं, मतलब कि XLR8 बॉय जैसा थंबनेल। एंड यार ऐसे थंबनेल बनाने के लिए ना आपके यार मेरी पैक की जरूरत पड़ने वाली है। पैक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पैक डाउनलोड कर लेना। पैक के अंदर यार A to Z सारा मटेरियल है, सब कुछ आपको पैक के अंदर मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। एंड हाँ भाई तुमको कैरेक्टर का PNG भी मिल जाएगा, जिससे आप लोग इजीली यार अपना जो भी थंबनेल है क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। प्रीसेट एंड ऑल यार सब कुछ आपको मिल जाएगा, बस पैक डाउनलोड कर लेना। पैक डाउनलोड करने में फिर लिंक ओपन करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो भाई मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि भाई तुम मेरी लिंक्स को किस तरह से ओपन कर सकते हो, उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो चेकआउट कर लेना। आपके यार सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यार पैक लिंक एंड ऑल का, ठीक है। फिर भी पैक को खोलने में प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को इंस्टा पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहाँ पर यार मैं आपको एकदम ही डायरेक्ट लिंक दे दूंगा पैक की। तो भाई आपको अब कुछ नहीं करना है यार, बस आपको यार वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है बिना स्किप किए, जिस तरह आप लोग एट लास्ट कुछ इस तरह का थंबनेल बना सको। अब भाई चलिए चलते हम लोग फोन के स्क्रीन पे। एंड यार मैं आपको सारा का सारा प्रोसीजर बता देता हूँ। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है ना भाई, हमें अपना अडोबी फोटोशॉप टच एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एंड भाई ओपन करने के बाद ना हमें जस्ट एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जिसकी डायमेंशन रहेगी 1920x1080 पिक्सल्स की, ठीक है। मतलब कि 1080p की हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। एंड प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ना हमें जाना है फोटो लेयर, फोटो लाइब्रेरी के अंदर। एंड यार जो भी अपना गेम का स्क्रीनशॉट है यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। अब फिर अगर आपका स्क्रीनशॉट जो भी है HD या फिर HDR ग्राफिक्स में लिया गया है तो यार आपके थंबनेल में अलग सा जान डाल देता है। बट यार एज मैं बहुत दिनों से गेम नहीं खेला तो भाई मैंने क्या किया ना, मैंने यार कछुआ भाई के पैक से स्क्रीनशॉट उठा लिया, मैं डाउनलोड कर लिया फॉर से। एंड मैं आपको बस दिखा देना भाई, जस्ट एक बार वेट करना, मेरे यहाँ पे फोल्डर नहीं मिला यार। तो भाई यार ये रहा यार हमारा फोटोशॉप CC 2019 का फोल्डर। एंड इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद ना हमें यार अपना जो भी गेम का स्क्रीनशॉट है इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। अब भाई स्क्रीनशॉट से मैंने कहा था कछुआ भाई के वीडियो से ले रखा है। एंड ये इंपोर्ट करने के बाद ना हमें यार क्या करना है, हमें 100 पॉइंटर एनेबल करना है। एंड पॉलीगन सिलेक्शन टूल का यूज़ करके अपनी कैरेक्टर की एक PNG लेयर क्रिएट कर लेनी है। बट यार अगर मैं ये चीज़ वीडियो में करता हूँ ना तो भाई वीडियो बहुत लंबी टन जाती है, तो भाई मैंने ऑलरेडी PNG बना रखे है कैरेक्टर की। एंड ये मैं आपको पैक के अंदर भी डाल कर दे दूँगा, सो डोंट वरी। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम अपने बैकग्राउंड को डुप्लीकेट कर लेंगे। एंड हम जाएंगे बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करके ना भाई, डुप्लीकेट मत करो, पहले बैकग्राउंड पर जाओ एंड कर्व्स पर चल जाओ, ठीक है। कर्व्स पर जाने के बाद मैं कर्व्स पर भी मत जाओ भाई, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा यार पैक के अंदर, आपको वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, जिससे मैं आपको एकदम ही स्टेप बाय स्टेप दिखा सकूँ यार ये स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये मैंने कल लेके रखा था। एंड ये पैक के अंदर आपको मिल जाएगा, ये स्क्रीनशॉट आपको इंपोर्ट कर लेना है। एंड आपको जाना है बैकग्राउंड पे एंड चल जाना है कर्व्स पर, ठीक है। कर्व्स पर जाओ एंड सेम टू सेम यार ऐसा कर्व डिज़ाइन कर लो आप, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि आगे पीछे कर लो, मतलब थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट हाँ ऐसा कर्व आपको डिज़ाइन कर लेना, ऐसे मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। एंड डिज़ाइन करने के बाद आपको ऐसा कर्व इसे डिजेबल कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं यार पहले से बहुत ही ज़्यादा इसमें जान आ चुकी है। एंड अब हम क्या करेंगे ना, अब हम अपने बैकग्राउंड के लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे एंड ऊपर वाले को लिनर डॉज ऐड करके टेंट कर देंगे यार अपना ब्लू कलर का। लाइक कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, लाइक मैं नहीं कर रहा भाई, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। एंड ओपेसिटी कर देंगे लो, ठीक है। अब भाई जो ब्लू कलर हम यूज़ करने वाले भाई, मैं आपको वो कलर पैक के अंदर भी डाल कर दे दूंगा, सो यार डोंट वरी, ठीक है। अब हमने कैरेक्टर के लेयर पर जाएंगे एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी रिड्यूस कर देंगे, जिससे बैकग्राउंड पर थोड़ा सा ब्लर, मतलब कि ब्लर नहीं भाई, मतलब थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा सही लगता है। अब हम जाएंगे फोटो लेयर, फोटो लाइब्रेरी के अंदर। एंड भाई आपको याद है यार, मतलब कि आबिद बोल रहा यार मैं, अदीप भाई एंड एमलेट भाई ने मिलकर एक पैक डाला था यार एमलेट भाई के चैनल पर, मैं यार उसमें से एक चीज़ इंपोर्ट कर लेता हूँ भाई, कुछ पार्टिकल्स टाइप कुछ है। तो भाई एक बार ही वेट करना। हाँ भाई ये चीज़ आपको इंपोर्ट कर लेनी है, ये मैं को पैक के अंदर भी डाल कर दे दूंगा। एंड ये मैंने एमलेट भाई के पैक से लिया था, जो कि उन्होंने आबिद बोलना भाई, फिर से मैं अदीप भाई के साथ डाला था कोलैबोरेट करके, आबिद नहीं अदीप भाई। एंड ये ऐसे रिसाइज कर लिया हमने एंड कैरेक्टर पीछे करके इसे कर दो लीनर डॉच, ठीक है। लीनर डॉच ऐड करने के बाद तुम देख सकते हो ऐसे कुछ अलग से आपको एक लाइन स्टेप देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ओपी लगती है, ठीक है। ये करने के बाद हमें क्या करना है ना, हमें अपना जो भी एडजस्टमेंट कर लेना है। एंड अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम जाएंगे भाई यार क्या हो रहा है मेरे साथ, अब हम जाएंगे फोटो लेयर, फोटो लाइब्रेरी के अंदर। एंड आपको मैं ना मेरे पैक को यहाँ पर मतलब कि लोकेट कर लेना है यार, ठीक है। तो मैं आपको पैक के अंदर कुछ और भी चीज़ें दे दूंगा, तो आपको वो भी यहाँ पर डाल लेनी है, तो भाई एक बार वेट कर लो। एंड ये चीज़ रहेगी पैक के अंदर। एंड आपको पैक के अंदर ना एक पेपर कटआउट करके एक चीज़ मिलेगी, आपको इसे इंपोर्ट करना है एंड कर देना है फ्लिप वाई, ठीक है।
फ्लिप वाई कर दो एंड कर दो लीनियर डॉच। अब भाई इससे ना आपको कुछ लाइन स्टेप देखने को मिलेगी। एंड भाई एक्चुअली मैं आपको क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि भाई एक्सेलरेट भाई का थंबनेल इस थंबनेल से थोड़ा बहुत अलग है, बट मैं ऐसा बना रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा मेरे को सही लग रहा है। एंड अगर मैं एकदम ही सेम टू सेम बनाता हूँ ना भाई तो ऑडियंस कुछ नहीं करेगी भाई, ऑडियंस बस पैक डाउनलोड करके भाग जाएगी एंड मेरा चैनल का वॉच टाइम भी बहुत रिड्यूस हो रहा है। सो या थोड़ा कर रहा हूँ इसको। एंड हमें मैं आपको एक स्टॉक लाइट करके एक चीज़ प्रोवाइड करूँगा पैक के अंदर, आपको इसे इंपोर्ट करना है एंड इस तरह से रिसाइज कर लेना है कुछ, ठीक है। स्काई के ऊपर रखते हुए रिसाइज कर लो एंड से कर दो लीनियर डॉज ऐड करके ऊपर से रिड्यूस कर दो हल्की सी। एंड इससे क्या होगा ना भाई आपको ऊपर से अलग से ग्लो देखने को मिलेगा जो कि बहुत ओपी लगता है। अब इसके बाद हम फिर चलेंगे फोटो लिया फोटो लाइब्रेरी के अंदर एंड पार्टिकल्स पीएनजी करके एक चीज़ होगी, इसे इंपोर्ट कर लो। लीनियर डॉज ऐड करके कैरेक्टर पीछे कर दो, कैरेक्टर पीछे करके एक बार डुप्लीकेट कर दो। एंड इससे क्या होगा ना भाई हमें कुछ पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे लगते हैं भाई सच बोलूँ तो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम अपने जो भी ग्लो डाला था यार कहाँ गया, हाँ भाई इसकी ग्लो की ओपेसिटी मैं और थोड़ी रिड्यूस कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम अपना जो भी कैरेक्टर पर एक ब्लैक कलर का वो सेबर ऐड करते तो हम वो सेबर ऐड करेंगे। उसके लिए अपने कैरेक्टर के सिलेक्ट पिक्सल्स करेंगे, एक एम्प्टी लेयर पर जाएंगे एंड फिल्म स्ट्रिप पर जाकर ना भाई स्ट्रोक कर देंगे यार ब्लैक कलर का। एंड स्ट्रोक की जो विड्थ रहेगी वो हम बढ़ा देंगे भाई समथिंग लाइक 12 पिक्सल्स कर देंगे। अच्छा लग रहा है भाई, भाई क्या हो गया, 12 पिक्सल्स की विड्थ की हमें इसमें स्ट्रोक डाल देनी है। एंड स्ट्रोक डालने के बाद नीचे अनवांटेड स्ट्रोक आ रखा है तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ यार मैनुअली जैसे हम हर टाइम करते हैं जिससे अच्छा लगे हमारा थंबनेल। एंड ये करने के बाद हम जाएंगे एफएक्स पर, स्टाइलस पर जाके ना ग्लास पर चल जाएंगे एंड फुल ग्लास पैक डाल देंगे एक बार एंड दूसरी बार फिर से ग्लास पर जाएंगे, बट यार इस बार फुल नहीं, इस बार यार हम ग्लास की अमाउंट को थोड़ा सा रिड्यूस करके 100 का अमाउंट का डाल देंगे एंड इसे कैरेक्टर के पीछे कर देंगे, ठीक है। कैरेक्टर पीछे करके इसकी ओपेसिटी एकदम ही हम रिड्यूस कर देंगे, लाइक एकदम ना के बराबर ओपेसिटी कर देंगे जिससे हमें हल्का सा इसमें डिटेलिंग देखने को मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। अब हम कैरेक्टर के लेयर को फिर से डुप्लीकेट कर लेंगे एंड इस पर जाएंगे लीनियर डॉज ऐड कर देंगे इसे एंड ओपेसिटी कुछ नहीं करना है, ओपेसिटी कुछ नहीं करनी है आपको, सीधा गॉसलिन पर डाल देना है जिससे भाई होगा क्या ना कि भाई हमें एक अच्छा सा ग्लो सा चीज़ देखने को मिलेगा जो कि हमारे कैरेक्टर को थोड़ा सा अलग से उभार के लाता है जो कि बहुत ओपी लगता है भाई, ठीक है। अब भाई देखो हमारा थंबनेल में जो मोस्टली काम है वो तो हो चुका है, बस यार हमें अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है एंड विग्नेट ऐड करना है एंड काम खत्म, ठीक है। अब हम जाएंगे विग्नेट ऐड कर लेंगे, पैक के अंदर ही मिल जाएगा सो डोंट वरी। एंड ये विग्नेट ऐड करने बाद ना करेक्टर के पीछे कर दो इसे एंड इसे ऐसे ही रहने दो भाई, इसकी हम थोड़े से जूम कर लेते हैं इसे, मेरे को ये ज़्यादा विग्नेट नहीं चाहिए, अगर मेरे को ज़्यादा विग्नेट चाहिए होता तो भाई मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता था। अब भी ऐसे करने के बाद ना इतना विग्नेट मेरे को सही लग रहा है क्योंकि भाई करेक्ट जो थंबनेल मैं स्क्रीनशॉट यूज़ कर रहा हूँ वो ऑलरेडी थोड़ी बहुत डार्क हो रखी है तो भाई इतना विग्नेट सही है, ज़्यादा विग्नेट करूँगा तो यार सही नहीं लगेगा। एंड आफ्टर डूइंग दिस आपको क्या करना है कि आपको यार बहुत ही ज़्यादा नॉइस आ रहा है, सॉरी फॉर दैट, खिड़की खुली हुई है एंड माइक भी नहीं है मेरे पास। अब हम क्या करेंगे ना, हम जाएंगे यार पिक्सल लैब के फोल्डर के अंदर, तो यार पिक्सल लैब से मैंने ऑलरेडी फॉन्ट लिख रखा था भाई, फॉन्ट नहीं भाई टेक्स्ट लिख रखा था, तो मैं उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ भाई। देखो फॉन्ट का नेम है टाइपोग्राफ प्रो बोल्ड करके, तो भैया पैक के अंदर आपको फॉन्ट मिल जाएगा तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो पैक डाउनलोड करके। अपने मैंने यहाँ पर रात ऑफ अ लायन पबजी मोबाइल फ्रैग मूवी करके लिखा है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम मार्क्यू सिलेक्शन टूल का यूज़ करके ना कुछ इस तरह का सिलेक्शन बनाएंगे अपने रात ऑफ अ लायन को अलग करने के लिए एंड इसे कर देंगे लेयर फ्रॉम सिलेक्शन एंड नीचे से कर देंगे क्लियर, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे भाई, रात ऑफ अ लायन पर जाएंगे, सिलेक्ट पिक्सल्स करेंगे इसके एंड ग्रेडिएंट पर चल जाएंगे। अब एक ग्रेडिएंट पर जाने के बाद ना आपका कोई भी एक बाई डिफॉल्ट ग्रेडिएंट अप्लाई कर देना है, दो आपको डॉट्स बना लेना, अब इसमें बस दो डॉट्स ही रहने देना एंड दोनों डॉट्स पर ना तुमको ब्लू कलर का कुछ इस तरह का फिल करना है एंड ये ब्लू कलर आपको पैक के अंदर ही मिल जाएगा सो डोंट वरी, ठीक है। एंड करने के बाद ना आपका जो सेकंड डॉट है यार ब्लू कलर का उस पर जाना है एंड HSB पर जाना है, मतलब कि ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस पर उस डॉट की। एंड आपको यार जो भी आपकी ओपेसिटी है, ओपेसिटी नहीं भाई सैचुरेशन है, उसको डिक्रीज कर दो समथिंग लाइक 40% कर दो जिससे हमें कुछ इस तरह का वाइट टाइप देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। एंड हमें यार पबजी मोबाइल फ्रैग मूवी कुछ भी नहीं करना है ऐसा, क्योंकि वो सही लग रहा है अपनी जगह पर, वो सही है ना। अब हम क्या करेंगे भाई, हम दोनों को मर्ज डाउन कर देंगे एंड ट्रांसफॉर्म कर लेंगे यार अपने हिसाब से, इसको सेंटर पर कर लेंगे अलाइन, ठीक है। लाइक मैं इसको सही से कर लेता हूँ भाई, आपको भी सही से इसे अलाइन वगैरह कर लेना है, जैसे भी सही लग रहा है आप कर सकते हो। फ्लिप वाई नहीं करना था यार, कहाँ गया भाई। देखो मेरे को वॉइस ओवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को नहीं पता क्यों, बट हाँ भाई थोड़ा सा मैं वॉइस ओवर ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम जाएंगे ड्रॉप शैडो पर एंड ड्रॉप शैडो पर जाने के बाद हम इसकी इंक्रीज कर देंगे ब्लर को समथिंग लाइक हम 30-40% कर देंगे, 43% कर देंगे एंड इंटेंसिटी लो कर देंगे, ठीक है। इंटेंसिटी समथिंग लाइक 60% कर देंगे। अब भाई हो जाए यार, ड्रॉप शैडो कट क्यों कर दिया। एंड ये करने के बाद हम अपने जो भी टेक्स्चर है उसको डुप्लीकेट कर लेंगे एंड ऊपर वाले पर जाएंगे लीनियर डॉज ऐड करके
गॉसियन ब्रेड कर देंगे एक बार ही, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब कि गॉसियन ब्रेड फुल डाल दो यार तीन चार बार, जिससे हमारा ब्लड थोड़ा सा स्प्रेड हो जाए, जो कि अच्छा लगेगा। अगर स्प्रेड नहीं होता है भाई तो आँखों को चुभता है। अब हम फिर से अपने टेक्स्ट पर जाएंगे, एंट्रोपसाइड ऐड कर देंगे यार फिर से, क्योंकि तुम देख सकते हो यार बैकग्राउंड पर बहुत ज़्यादा मतलब कि वो हो जा रहा है, ब्लेंड हो जा रहा है, एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा है सही से, तो या करना पड़ेगा। इसकी मैं इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ करके मैं कर देता हूँ, एंड साथ ही साथ मैं ब्लड को भी थोड़ा सा मतलब कि जो हमने ग्लो डाला था वो भी थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि भाई देखो एक बार जब हम इसमें मतलब प्रीसेट अगर प्रीसेट वगैरह अप्लाई करेंगे तो भाई इसका ऑफकोर्स है थोड़ा बहुत जो इसका जो भी कलर करेक्शन है, मतलब कलर करेक्शन नहीं भाई, कलर करेक्शन करने टाइम जो इसका टेक्सचर जो ग्लो है भाई वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, सो या इसलिए मैं ग्लो को थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा रख रहा हूँ। आपको आँखों को चुभ रहा होगा बट यार जब हम कलर करेक्शन कर लेंगे ना तब यार एकदम परफेक्ट लगेगा। अब यार आपको बस एक चीज़ में मेकश्योर रखने की भाई आपकी जो भी टेक्स्ट है उसकी ड्रॉप शैडो सही लग रही है, क्योंकि भाई टेक्स्ट ही इसका वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट है, तो भाई आपको अपने टेक्स्ट की ड्रॉप शैडो एंड ग्रेडियंट सही से डालनी है, ठीक है। बाकी मैं वो पैक करना कलर एंड ऑल दे दूंगा भाई मैं जो भी यूज़ कर रहा हूँ। इंडी करने बाद भाई इसमें मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का से मैं इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ, तो भाई वेट कर लेते हैं थोड़ा सा यार, थोड़ा सा बस वेट कर लूँ, ठीक है। एंड मेरे को बस इतना ही चेंजेस करना था, तो अब मैं क्या करूँगा ना भाई, अब मैं एक बार उसको चेकआउट कर लेता हूँ, एंड मैं चाहूँगा डन को डन पे क्लिक करके सेव कर दूँगा। एंडी थोड़ा सेव होने में टाइम लगेगा, ये भी हमारा प्रोजेक्ट सेव हो रहा है तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है यार, एक मिनट तो नहीं लगेगा, कुछ सेकेंड्स टाइम लगने वाले हैं। एंड वंस इट डन हमें क्लिक करना है शेयर का बटन प्लस सेव टू गैलरी कर देना है, एंड अपनी थंबनेल को सिलेक्ट करके ओके कर देना है, जिससे क्या हो कि भाई हमारा थंबनेल सेव हो जाए गैलरी पे, तो यार हमारा जब भी थंबनेल है वो वहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है ना, हमें अपना Adobe Lightroom एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, एंड ओपन करने के बाद हमें प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, एंड अपना जो भी थंबनेल है यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर गैलरी यहाँ पर हमारा लोड हो रहा है तो थोड़ा टाइम ले सकता है। एंड अभी थंबनेल के साथ ही साथ मैं आपको एक DNG फाइल प्रोवाइड करूँगा पैक के अंदर, वो भी आपको इंपोर्ट कर लेनी है, एक प्रीसेट प्रोवाइड करूँगा सेम इस जगह से इंपोर्ट कर लेना, मेरा ऑलरेडी इंपोर्ट हो रखा है। तो मैं क्या करूँगा ऑल फोटोज़ पर जाऊँगा, एंड पहले यार अपने जो भी DNG फाइल पर चल जाऊँगा, ठीक है। DNG फाइल पर जाने बाद ना आपको यहाँ पे तीन डॉट्स मिलेंगे, इस पर जाओ, कॉपी सेटिंग्स कर लो यार, एंड सब कुछ सिलेक्ट करके कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको चल जाना है अपने थंबनेल पर, मतलब आपने जो डिज़ाइन किया खुद से उस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर कर देना है पेस्ट सेटिंग्स, ठीक है। एंड ये थोड़ा टाइम ले सकता है, तो भाई एंडी पेज सेटिंग्स होने बाद ये कुछ इस तरह का हमारे सामने थंबनेल करेक्शन भी हो जाएगा, एंड कलर करेक्शन होने बाद ये थंबनेल बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे, इसे कर देंगे सेव टू डिवाइस, एंड ये करने बाद हमारा जो भी थंबनेल है वो हमारे डिवाइस में सेव होने लग जाएगा। एंड भाई तुम देख सकते सेव भी हो चुका है। तो यार आपको वीडियो कैसी लगी यार भाई जरूर से कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना, ताकि भाई आपको आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन साइनिंग ऑफ, पीस आउट।